नमस्कार दोस्तों, 2017 में अगर आपको याद हो पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा का ये वीडियो बड़ा वायरल गया था। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में चिल्ला चिल्ला कर ये पेटीएम के सक्सेस का जश्न मना रहे थे। बड़े फेमसली इन्होंने यहाँ पर कहा था, जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। लेकिन अफसोस, 7 साल बाद आज के दिन सिचुएशन पूरी तरीके से पलट चुकी है। जो पेटीएम के साथ है वो रो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक भयंकर तरीके से इस कंपनी का क्रैश देखने को मिला। 30 जनवरी को इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 760 रुपए पर था, आज ये 380 रुपए से भी नीचे गिर गया है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, आइए समझते हैं पेटीएम की राइज और डाउनफॉल की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। पेटीएम की शुरुआत हुई थी दोस्तों साल 2010 में, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। एक ऐसी ऐप जिसके जरिए आप अपना फोन रिचार्ज कराते थे और लैंडलाइन बिल के पेमेंट्स भरते थे। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ऐप में और फीचर्स डाले। ये सिर्फ जनवरी 2014 में ही था कि पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ, जिसके जरिए आप ऑनलाइन पे कर सकते थे पेटीएम का इस्तेमाल करके। 2015 तक आते आते मेट्रो के रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी की बिल की पेमेंट्स करना भी इससे पॉसिबल होने लगा। लेकिन सही मायनों में इस कंपनी की पॉपुलैरिटी में जंप सिर्फ 8 नवंबर 2016 के बाद से ही देखने को मिला। वो दिन जब डीमोनेटाइजेशन, 500 रुपी एंड 1000 रुपी करेंसी नोट्स विल नो लॉन्गर बी लीगल टेंडर। From midnight to night, नोटबंदी के अगले ही दिन देश भर के ढेर सारे अखबारों में कुछ ऐसी फ्रंट पेज एड्स छपी थी, पेटीएम कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब एटीएम नहीं, पेटीएम करो। यहाँ खड़ी हुई पहली कॉन्ट्रोवर्सी पेटीएम को लेकर। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या पेटीएम का कोई लिंक है सरकार के साथ, इस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करना अपनी एडवर्टाइजमेंट करते वक्त। और नोटबंदी का फैसला, जिसे सीक्रेटिव बताया गया था, वो 8 नवंबर को रात के 8 बजे लिया गया था। तो ऐसा कैसे हुआ कि अगले ही दिन 9 नवंबर को सुबह जो अखबार आया उसमें फ्रंट पेज एड छपी थी? क्या इस कंपनी को पहले से ही पता था डीमोनेटाइजेशन होने वाला है? हुआ जो भी हो, लेकिन एक चीज बड़ी साफ थी, पेटीएम को बहुत बहुत बड़ा फायदा हुआ इस एक फैसले की वजह से। यूरो मनी की रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम के पास 125 मिलियन कस्टमर्स थे, लेकिन नोटबंदी के सिर्फ 3 महीने बाद पेटीएम के कस्टमर्स 185 मिलियन तक पहुंच चुके थे। इस कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने भी इस मौके को कैपिटलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेटीएम ने 10,000 से ज्यादा एजेंट्स को हायर किया कि वो अपने क्यूआर कोड्स डिस्ट्रीब्यूट करें लोकल दुकानों पर और वेंडर्स के पास जाकर। हर शहर में दुकानदारों को इनकरेज किया गया कि सबके सब पेटीएम करो। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसी समय के अराउंड 2-3 और कॉन्ट्रोवर्सीज भी खड़ी होती। एक था पेटीएम का चाइनीज लिंक। साल 2015 में अलीबाबा नाम की एक चाइनीज कंपनी ने 680 मिलियन डॉलर्स पेटीएम में इन्वेस्ट किए और 40% स्टेक पेटीएम कंपनी का इस चाइनीज कंपनी के हाथों में चला गया। अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं जैक मा, और विजय ने इन्हें अपना हीरो भी बताया था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को, आई बिकेम टोटली इंटरेस्टेड इन चाइना, अलीबाबा एंड जैक, ऑल थ्री थिंग्स। हाल ही में इंडिया और चाइना के रिलेशंस की कहानी तो आप जानते ही हो, चाइना बार बार इंक्लूड किए जा रहा है इंडियन बॉर्डर के अंदर। 2017 में डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ, कई लोगों ने पेटीएम को क्रिटिसाइज किया था इस चीज को लेकर। ये सामने सामने से कंपनी बड़ा देशभक्त बनती है जब लोगों को कुछ बेचना, लेकिन पीछे पीछे से चाइनीज फंडिंग ले रखी। इसी क्रिटिसिज्म के चलते चाइनीज का जो स्टेक था उसे कम किया गया कंपनी में। 2023 में करीब 10% स्टेक विजय ने खुद वापस अपने आप को ट्रांसफर कर लिया और चाइनीज स्टेक कंपनी में 13.5% के अराउंड है एज ऑफ नाउ। मई 2018 में अगली कॉन्ट्रोवर्सी उठी पेटीएम को लेकर, जब इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसी कोबरा पोस्ट ने एक अंडरकवर ऑपरेशन किया। इनके अंडरकवर रिपोर्टर पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट अजय शेखर शर्मा से मिलने गए, जो कि विजय शेखर शर्मा के भाई हैं। और इस बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाओगे अपनी ऐप के जरिए, तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी से एक्सेप्ट। तो मेरा भी उसमें डल जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें आपको दूंगा, मैं हम कर देंगे, क्योंकि आरएसएस तो हर ब्लड है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार ने हमसे कुछ पेटीएम यूजर्स का डेटा मांगा था जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, तो हमने खुशी खुशी सरकार को दे दिया। में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया।
इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज भी ऑफर करनी शुरू करी। पेमेंट्स बैंक कुछ मायनों में एक बैंक की तरह ही होता है, जहां पर आप अपना एक बैंक अकाउंट बना सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। पेमेंट्स बैंक्स मोस्टली डिजिटल सर्विसेज पर फोकस करते हैं, बहुत कम फिजिकल ब्रांचेज होती हैं पेमेंट्स बैंक्स की। और RBI के रूल्स के अनुसार पेमेंट्स बैंक्स क्रेडिट कार्ड और लोन की सुविधाएं ऑफर नहीं कर सकते। जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि HDFC, SBI, ICICI, उनमें कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं होती। आप कितना भी पैसा चाहे उन बैंकों में डिपॉजिट करके रख सकते हैं, लेकिन पेमेंट्स बैंक्स में एक लिमिट रखी गई है RBI के द्वारा, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप इन बैंक्स में डिपॉजिट करके नहीं रख सकते। इतना डिटेल में मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दिन जो हालत हुई है पेटीएम की, उसके पीछे एक बड़ा कारण पेटीएम का पेमेंट्स बैंक ही है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है, देश भर की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और देश में पैसे छापने का काम भी करता है। बाकी सारे जितने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है देश में, उन्हें RBI के बनाए गए रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो 31 जनवरी 2024 को जो ये पेटीएम का क्रैश हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि RBI ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। RBI ने कहा कि पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बार बार हमारे रूल्स को वायलेट करता रहा, परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस इनकी तरफ से देखने को मिली और इसीलिए अब हम इस बैंक पर रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम का पेमेंट्स बैंक कोई नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कस्टमर अकाउंट्स में पैसे टॉप अप नहीं कराए जा सकते, नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग नहीं करी जा सकती। और RBI ने कहा कि जितने भी नोडल अकाउंट्स बने हुए हैं इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर, उन सबको बंद होना चाहिए 15 मार्च 2024 तक। नोडल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो ये ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज वाले बिजनेसेस यूज करते हैं। और जहां तक बात रही पेटीएम वॉलेट की, आप अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस यूज कर सकते हो, लेकिन 29 फरवरी के बाद से और कोई पैसे उसमें डाल नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला है RBI की तरफ से, और ऐसा फैसला एक झटके में नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं है कि RBI ने एक दिन उठकर सोचा कि आज पेटीएम की क्लास लगाते हैं और ये सारे डिसीजंस ले लिए, बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। सच बात यह है कि पेटीएम को बार बार सालों से वार्निंग दी जा रही थी RBI के द्वारा, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। नवंबर 2017 में यह पेटीएम का पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ था और जून 2018 में ही पहली वार्निंग आ गई थी RBI की तरफ। एक ऑडिट ने पाया कि पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा और जो कस्टमर्स इनके बैंक पर अपना अकाउंट बनाते थे उनकी आइडेंटिटी को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जाता था। जो KYC नो योर कस्टमर की कंप्लायंस वो नहीं देखी जा रही थी पेटीएम के द्वारा। तो RBI ने कहा कि पेटीएम नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना बंद कर दे जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं करता हो। पेटीएम ने इस वार्निंग को लेकर कुछ एक्शन जरूर लिया क्योंकि जनवरी 2019 को RBI ने कहा ठीक है, पेटीएम अब कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना वापस से शुरू कर सकता है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो हटा दी गई। लेकिन करीब 2.5 साल बाद अक्टूबर 2021 में अगला बड़ा झटका लगता है। पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइसेंस एप्लीकेशन भरते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन भरी और गलत डॉक्यूमेंट्स दिए। RBI कहता है कि वही चीजें जिसको लेकर हमने पहले आपको वार्निंग दी थी, कस्टमर्स को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है, वही चीजें दोबारा देखने को मिल रही। एक बार फिर से कस्टमर ऑनबोर्डिंग पर रोक लगाई जाती है। अक्टूबर 2023 एक और बड़ा फाइन लगाया जाता है पेटीएम के ऊपर, इस बारी 5 करोड़ रुपए का। RBI इस उम्मीद में था कि दो वार्निंग्स देने के बाद या दो बार फाइन्स लगाने के बाद कम से कम अब तो पेटीएम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर ले, अपने कस्टमर की वेरिफिकेशन ढंग से करना शुरू कर दे। लेकिन इस सब के बाद भी पेटीएम ने इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया और इसी रीजन से 31 जनवरी 2024 को RBI ने कहा कि बहुत हुआ ये सब, अगर ढंग से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं की जा सकती तो बंद करो इसे। RBI ने जो चीजें पाई यहाँ पर वो बड़ी शॉकिंग थी। CNBC के अनुसार पेटीएम ने लाखों कस्टमर्स को अपने बैंक में अकाउंट खोलने दिया बिना KYC कराए। कुछ हजारों केसेस ऐसे मिले जहां पर हजार कस्टमर्स ने अलग अलग अकाउंट्स खोल रखे हैं सेम पैन कार्ड का इस्तेमाल करके। कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस देखी गई करोड़ों रुपयों की, यहां पर पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क भी सामने आया। हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो पेटीएम के जरिए। आउटलुक ने रिपोर्ट किया कि एक एनालिस्ट के अनुसार पेटीएम के पास करीब 35 करोड़ वॉलेट्स है, जिनमें से करीब 31 करोड़ वॉलेट्स इनएक्टिव पड़े हैं जिन्हें कोई यूज नहीं कर रहा, और जो बचे हुए 4 करोड़ वॉलेट्स है उनमें से ज्यादातर में कोई बैलेंस नहीं है या बहुत कम बैलेंस है।
इसकी वजह से उन्हें म्यूल अकाउंट्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यूल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इसके बाद डेटा प्राइवेसी का कंसर्न भी सामने आया। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, उसके बीच में और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच में कोई ऑपरेशनल सेग्रीगेशन नहीं। इन दोनों के बीच में पैसे का फ्लो देखने को मिला है जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया गया। इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को नजरअंदाज किया गया, क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके सीईओ विजय शेखर शर्मा की एरोगेंस रिस्पॉन्सिबल? वे कई इंटरव्यूज उन्होंने मीडिया चैनल्स के साथ किए, यही चीज उनकी बातों में कहीं ना कहीं देखने को मिली। इफ यू फंडामेंटली बिलीव दैट पेटीएम इज नंबर 3 पेमेंट प्लेयर, दैट इज वेयर द बिगनिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज एंड अंडरस्टैंडिंग। आई एम सरप्राइज्ड दैट पीपल डोंट नो दिस इन दिस कंट्री, बट वी मेड प्रॉफिट, सो इट इज। आई सरली हु इज नॉट मैट अस एंड हैव एन ओपिनियन ऑन अस इज नॉट माय ओपिनियन टू कीप एन ओपिनियन ऑन दैट। आरबीआई की 31 जनवरी वाली अनाउंसमेंट के बाद हल्ला मच गया। लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे पेटीएम में, उस पैसे को बाहर निकालना शुरू किया तो बड़ी तेजी से पेटीएम का स्टॉक क्रैश किया। लोगों को काम डाउन करने के लिए पेटीएम ने कई बार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया कि कुछ नहीं बिगड़ा है यहाँ पर। 2 फरवरी को विजय शेखर शर्मा ने भी ये ट्वीट किया, टू एवरी पेटीएमर, योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग, विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29 फरवरी एज यूजुअल। फॉर एवरी चैलेंज देयर इज अ सॉल्यूशन एंड वी आर सिंसियरली कमिटेड टू सर्व आवर नेशन इन फुल कंप्लायंस। इंडिया विल कीप विनिंग ग्लोबल एक्लेड्स इन पेमेंट इनोवेशन एंड इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि आप देख सकते हो, एक बार फिर से देशभक्ति का यहाँ पर सहारा लिया गया। भैया हम कंपनी नहीं है यहाँ पर, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, बार बार इंडिया का नाम लेकर पेटीएम को पीछे छुपाया गया। एक कहावत मुझे याद आती है इससे, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंडरल। सुना होगा रे कोटा आपने। मेरी राय में तो ऐसी सभी कंपनीज से चौकन्ने होकर रहना चाहिए जो हद से ज्यादा देशभक्ति का सहारा लेती। देखिए कुछ साल पहले फोन आया था फ्रीडम 251, जो फोन के पीछे इंडिया का झंडा छाप रखा, वर्ल्ड्स चीपेस्ट फोन करके इसे बेचा गया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैम निकला। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज में खुद में वैल्यू होती है तो वो उस वैल्यू के नाम पर उन चीजों को बेचती है, लेकिन अगर अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ ज्यादा कहने को नहीं है तो होता है कि देशभक्ति का सहारा लिया जाता है। भाई हमारा प्रोडक्ट इसलिए खरीदो क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारी इंडियन कंपनी है, इसलिए आपको हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। एनीवे इस पेटीएम पर वापस आए तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। कंपनी में इंटरनली जो एम्प्लॉयज हैं वो काफी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है लीडरशिप से कि आगे क्या हो। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने उन्हें बताया कि हमारा बिजनेस मॉडल अब शायद बदल जाएगा, अब हम बैंक होने की जगह हम एक थर्ड पार्टी पेमेंट्स ऐप बन जाएंगे, तो बैक एंड पर हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी और ये चेंज हमें बड़े लिमिटेड टाइम में करना पड़ेगा। पेटीएम की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखो कितना पड़ेगा, पेटीएम की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे कि कितना पैसा कमाया इस कंपनी ने साल भर साल, तो आपको दिखेगा कि हमेशा से ही एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है जब से इसे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया गया। इस चार्ट को देखिए, 2021 में इनकी कंपनी ने 1,600 करोड़ रुपए का लॉस उठाया था, 2022 में 1,500 करोड़ रुपए का लॉस, 2023 में 170 करोड़ रुपए का लॉस। अच्छी खबर ये थी कि साल भर साल जो कंपनी लॉसेस उठा रही थी वो कम हुए जा रहे थे, तो अगले साल एक्सपेक्ट किया जा सकता था इस साल यानी 2024 में कि कंपनी पहला प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन अब जो ये सब हुआ इसे देखकर ये काम मुश्किल लगता है। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इनका इस साल लॉस 300 से 500 करोड़ रुपए ज्यादा हो सकता है। ये बात पेटीएम ने खुद पब्लिक के सामने रिवील करी है कहते हुए कि वो आरबीआई की गाइडलाइन से अब कंप्लाई करेंगे, लेकिन इनकी ये अनाउंसमेंट के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस और नीचे गिर गया। व्हाट इज द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी विजय, व्हाट इज बाय व्हेन विल पेमेंट पेटीएम मेक मोर मनी। विजय शेखर शर्मा को थोड़े और बेहतर जवाब ढूंढने होंगे इन सवालों के अगर उन्हें लोगों को कन्विंस करना है। एक्चुअली में लोगों को कन्विंस करना यही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा पेटीएम के सामने। आम जनता अपनी कंपनी की चॉइस को लेकर काफी पिकी होती है और ट्रस्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग एक बारी अपनी टूथपेस्ट चूज कर लेते हैं कि मैं तो इसी टूथपेस्ट को हमेशा इसी कंपनी की टूथपेस्ट को इस्तेमाल करूंगा, वो भी आसानी से बदलते नहीं, तो यहाँ पर तो एक पूरा का पूरा बैंक बदलने को कहा जा रहा है। कस्टमर्स को वापस लाना आसान काम नहीं होगा पेटीएम के लिए, लेकिन कस्टमर्स को कन्विंस करना तो बात की बात है, पहले पेटीएम को आरबीआई को कन्विंस करना होगा, वो भी कोई आसान काम नहीं। लेकिन एक उम्मीद की किरण, बच निकलने का रास्ता यहाँ पर शायद ये हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी आकर पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को खरीद ले। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि HDFC बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शायद यहाँ पर आकर ये काम करेंगे, लेकिन जियो ने स्पेकुलेशन को डिनाई किया है ये कहते हुए कि उनका ये करने का कोई इरादा नहीं, और वैसे भी ऐसी सेल करने से पहले आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत होती है।